फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वेशन रूट्स आर गिवन। हाँ जी, ये 10th क्लास में हमने देखा है कि अगर हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गिवन होते हैं तो उससे इक्वेशन किस तरीके से जनरेट की जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन होते हैं, रूट्स की हमने बात की है कि दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा कोमा बीटा, ये इसके क्या हैं, रूट्स हैं। तो सुनिएगा, पहली बात लिख रहा हूँ मैं, पहली बात लिख रहा हूँ कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा कोमा बीटा, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके रूट है अल्फा कोमा बीटा। तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, केन केन बी रिटर्न, किस तरीके से लिखा जाएगा इसको, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा, आपने 10th क्लास में जब सम ऑफ रूट जब इक्वेशन जनरेट करने की बात आती थी तो आपको एक फॉर्मूला याद आता था, एक्स स्क्वायर माइनस है ना सम ऑफ रूट डॉट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, तो वो इसी से आता है। तो वो कहाँ से आता है, इसी से आता है। तो इसको सोल्व किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, बोलो। हाँ जी, दूसरी बात करते हैं, पहली बात कंप्लीट हो गई है हमारी, दूसरी बात करते हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, जब हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात की जाती है तो थोड़ा सा चेंजमेंट आता है यहाँ से, वो कौन सा है कि फोर क्वाड्रेटिक फंक्शन, फोर क्वाड्रेटिक फंक्शन वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसके जीरोज होंगे, रूट्स नहीं होंगे, इसके रूट्स नहीं होंगे, इसके जीरोज होंगे, तो हम लिख देंगे जीरोज आर अल्फा कोमा बीटा। ध्यान से सुनना, एक ही बात का चेंज है इसमें, एक ही चीज चेंज करनी है हमें, वही कि इसको किस तरीके से जनरेट किया जाएगा, वाई इक्वल टू यहाँ हम लिखते थे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। हाँ, इसमें चेंज ये करना है कि इसमें आगे आपको एड लगाना है, लीडिंग कोफिशिएंट लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है आपको, ए ही लगाना है, बस यही चेंज करना है इसमें, इसमें बस इतना ही चेंज करना है, किसके आगे क्या लगाना है, लीडिंग कोफिशिएंट लगाना है। अगर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरेट करना हो तो उसके आगे एल ए टाइप की ए लगाइएगा, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसके आगे ए की जरूरी नहीं है।